वेलकम टू नया दिन। बहुत ही खुशी हो रही है आपसे दोबारा मुलाकात। कैसी किरण खेरी साहब, कैसे हैं? ठीक साहब, आदी मुबारक दुल्हन। प्लीज 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 हैव अ सोफा, हैव अ सोफा, अ रेड सोफा। आप दोनों भी बैठ जाइए। बहुत शुक्रिया आपने हमें इजाजत दी। आप तो बड़ा फूंक फूंक कदम रखना पड़ेगा और पूछ पूछ के बात करनी पड़ेगी। नहीं नहीं, आपका जो दिल चाहे पूछिए। क्या बात है, क्या बात है। ठीक है आमिर भाई, आपकी तरफ आते हैं, लेकिन अभी हमने ये भी बात करनी है कि मोदी को जवाब के देना, लेकिन मोदी को जवाब देने से पहले हमने सवाल करना, गायब किधर थे? कहां थे ये बताएं आप दोनों पहले। मैं कहां था? आप अकेले कहां थे? आप दोनों कहां थे? हाँ, हम कुछ दिन से गायब गायब थे। इस्लामाबाद में चूंकि कौमी असेंबली का इजलास था और फिर उसके बाद ये जो भारत ने पता नहीं क्या हरकत की है, अभी तो पहले तो अभी नंदन था, फिर अभी गंजन हुआ, अभी तो अभी लंदन चल रहा है, तो कुछ पता नहीं चल रहा होता क्या है। तो ये इन्होंने जो की थी उस पर ज़ाहिर है कि कौमी असम्बली के इजलास में तकारीर हुई। खान साहब ने बड़ी ज़बरदस्त तकरीर की, बड़ी शानदार तकरीर थी। मतलब पाकिस्तान की पार्लियामानी तारीख में बेहतरीन तकरीरों में से वो एक तकरीर थी जिसमें उन्होंने पीस जेस्चर का मुजाहरा किया था। अभी नंदन को भेजा है, अभी तो बेचारे नंदू चाय पी के गया है। ये नेक आपने रखा है, उन्होंने दिया है, हमें भी बताइए ना। नंदू, नंदू का नंदू, नंदू से प्यार इसलिए हो गया क्योंकि देखिए नंदू खुद वहाँ पकड़ा गया, उसके साथ बहुत बुरा हो गया, सब बहुत बुरा हो गया, बहुत बुरा हो गया। वो कहते हैं किस्मत में चिपड़े लिखी हो तो जहाज से गिर के भी पड़ जाती हैं। हाँ मतलब हम मिसाल चेंज करनी होगी, मुहावरा के आसमान से गिरा खजूर में अटका, आसमान से गिरा तो मतलब मकबूजा कश्मीर में, नहीं हमारे कश्मीर में गिरा, हमारे कश्मीर में गिरा, तो वहाँ से लोगों ने मारा, वहाँ से कैप्टन ने बचाया, कैप्टन ने चाय पिलाई, तरंग चाय थी वो, पता है आपको तरंग। ये आपकी तरफ मुझे कुछ और करने पर मजबूर कर रही है, मुझे आगे बढ़ने पर मजबूर कर रही है। भाई पाकिस्तान दुनिया का अहम तरीन मुल्क है, दुनिया को एक बार फिर इसका अंदाजा हो गया जब मुल्क में फजाई हदूद बन गई। यासिर फिरोज तफसीलात बताएंगे और जब हम वापस आएंगे तो इस पर भी बात करेंगे और दूल्हा दुल्हन से मजीद गुफ्तगू भी जारी रहेगी अपनी। पाकिस्तान जो खुदा की एक नेमत है, कुदरती तौर पर मालामाल है, इसका अंदाजा दुनिया को एक बार फिर दो रोज पहले हुआ। भारतीय शरंगेजी की वजह से पाकिस्तान ने फिजाई हदूद बंद की तो पूरी दुनिया हिल गई। आपको फ्लाइट रडार नामी वेबसाइट से ली गई पाकिस्तान की सैटेलाइट तस्वीर और वीडियोस दिखाते हैं। आप इस वीडियो में देखें सब कुछ बहुत अच्छा जा रहा है, फ्लाइट्स रवा दवा हैं और फिर अचानक सन्नाटा छा गया। तीन रोज में थाईलैंड, सिंगापुर, चीन और जापान की हजारों फ्लाइट्स मुतासर हो गई। ये बैंकॉक एयरपोर्ट है जहां मुसाफरों के लिए एयरपोर्ट कम पड़ गए। थाईलैंड और सिंगापुर से यूरोपीय ममालिक जाने वाली हजारों फ्लाइट्स को मुअत्तल किया गया। पाकिस्तान से अंदरूने मुल्क और बैरूने मुल्क जाने वाली 700 फ्लाइट्स मुतासर हुई। अब बात यह है कि मुसाफरों को होने वाली सारी परेशानी और एयरलाइंस के नुकसान का अजाला कौन करेगा, क्योंकि भारत ने पाकिस्तान में दखल अंदाजी की कोशिश की और इसकी ही वजह से फिजाई हदूद बंद करना पड़ी तो जिम्मेदार भी वही है। बैन अक्वामी माहिरीन कानून के मुताबिक अक्वामे मुत्तहदा के चार्टर में सेक्शन 24 के तहत पाकिस्तान आलमी बरादरी से दरख्वास्त कर सकता है कि भारत से सारे नुकसान की वसूलियाँ की जाए। इसके बाद भी भारत को शर्म तो आनी नहीं और ढीक तो ये पहले से बहुत है। तो क्या ठीक है, क्या ठीक होना चाहिए? तो डॉक्टर साहब हमारे साथ हैं, उनकी दुल्हन हमारे साथ हैं। ठीक है ठीक है, सब साथ हैं, लेकिन एक कमेंट मुझे बड़ा, मुझे सवाल करना था, लेकिन मैं चाह रहा हूँ एक गेस्ट और भी हमारे साथ मौजूद थे लाहौर स्टूडियो से, मुनीब, उनकी तरफ एक कमेंट के लिए मैं जरूर जाना है। मुनीब, जवाब देना कितना जरूरी होता है और क्या जवाब देते रहेंगे हम इसी तरह भारत को जब भी हमें टॉक शो में बुलाएंगे, क्योंकि जवाब वैसे अमर भाई भी कुछ देर बाद देंगे, लेकिन पहले आप बताएं। ये इतने कोई बुजदिल लोग हैं, जंग की बात करते हैं, जंग क्या लड़ेंगे, इनको तो थोड़ा सा मैं सच सुनाना शुरू कर देता हूँ टीवी के ऊपर, तो ये माइक्रोफोन ऑफ करने की बातें शुरू कर देते हैं। ये कहते हैं कि जी इसको स्काइप वीडियो इसकी कट ऑफ कर दो ताकि कोई सच ना सुन पाए, लेकिन इनको पता होना चाहिए जब मैं इनके टेलीविजन के ऊपर होता हूँ मेरे पास भी सॉफ्टवेयर है, इनकी आवाज नीची मेरी ऊपर हो जाती है, और बड़ी दफा फिर जब मेरे दोस्त वगैरह इन वीडियोज को देखते हैं तो कहते हैं लेकिन पीछे भारती का कह रहे हैं। मैं कहता हूँ वो क्या कह रहे हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है वो क्या कह रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, बस आप ये सुनो। तो इनको पता होना चाहिए, इनको अगर लग रहा है ये मुझे एक पाकिस्तानी को कंट्रोल कर रहे हैं, इनको मैं कंट्रोल कर रहा हूं। आप पाकिस्तानियों की आवाज को कभी नहीं बंद कर पाओगे, घर घर तक हमारी आवाज जाएगी, सबको पता चलेगा कि पाकिस्तान की साइड ऑफ द स्टोरी क्या है। कल ही OIC ने भारत को एक टेररिस्ट नेशन का करार दिया है, कल ही उसको टेररिस्ट नेशन बोला है जो कश्मीर के अंदर कर रहे हैं, और ये वो स्टोरी है जो कि ये चाहते नहीं कि कभी इन लोगों के टेलीविजन स्क्रीन के ऊपर आए।
कश्मीरियों के ऊपर जो पैरेट गन्स बरसा रहे हैं, जो ह्यूमन राइट्स अब्यूजेस कमिट कर रहे हैं, दहशतगर्द तो ये हैं। ओआईसी के अंदर जाकर सुषमा स्वराज ने कितना मक्खन लगाने की कोशिश की, मक्खन लगाते हैं मुनीर, झूठ बोलते हैं, फायदा नहीं होता। लेकिन खैर, जब तक आप हमारे साथ हैं, आप जैसे लोग हमारे साथ हैं, तो इंडिया को जवाब दिया जाता रहेगा। बहुत शुक्रिया मुनीब, आप साथ हमारे मौजूद थे। और आमिर भाई, यही कमेंट में चाहूंगा कि जवाब देना कितना जरूरी है भारत को, स्पेशली भारतीय मीडिया को, जब वहां से वो ऊंचा ऊंचा चीखते हैं और सुनते नहीं है गेस्ट की बात। देखिए, हमने एक बड़ा खूबसूरत जवाब दिया है, उसको लोगों ने समझा नहीं। हमने बहुत तवील अरसा, मतलब बहुत पुरानी बात है, हमने एक आदमी वहाँ भेजा था और उसको हमने ये तैयार किया था कि वहाँ पर आपने जवाब कैसे देना है, मेजर अदनान समी। हमने उसके लिए बहुत मेहनत की है और मालूम हो जाएगा, नहीं वो एजेंट हमारा मालूम हो जाएगा, नहीं वो पकड़े गए इस वजह से कि उनसे ये उनका कोड वर्ड था सरगम, तो उन्होंने सड़क पे चलते चलते पूछा सरगम ले लें, तो किसी ने पका दिया, बता दिया कि भैया तो ये सरगम कोड वर्ड था, बेचारे पकड़े गए। अल्लाह ताला उनको इनकी हिफाजत करे, लेकिन हमने उनको जवाब दिया है। पाकिस्तान का बहुत बड़ा असासा है, आप सोचें कि मैं बहुत परेशान हूँ। पार काम कर रहे हैं जी, सरहद पार, सरहद पार, पार, जी जी पार, खामोशी से, किसी को भी नहीं पता। मैसेज देते हैं, गाना गाते हैं, यूं करते हैं, उस साइड होता है कि एक जहाज मिग 21 आ रहा है, नहीं वो गाने ही अजीब से ना, वो कभी तो नजर मिलाओ, कभी तो करीब आओ। देखा सर, मैसेज कितना खूबसूरत से देता है पाकिस्तान को कि देखें आ रहा है जहाज। बना लिए ना हमने, दो मिनट में नूडल बना के खा लिया, फिर हमने बता दिया। अच्छा, ये भाभी नहीं बोल रही, ये डांटते तो नहीं है, कहीं पाबंदी तो नहीं है बोलने पे? कभी पाबंदी तो हो ही नहीं सकती है, बता दे। और डांट भी कभी नहीं पड़ती, नहीं पड़ती, नहीं नहीं कोई 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 डांट नहीं पड़ती, पता होगा इसको, बता दीजिए। हां, नहीं नहीं कोई डांट नहीं पड़ती। और इंडिया से, इंडिया को जवाब देने की असल में जब बात होती है तो फिर इनसे बेहतर तो कोई दे ही नहीं सकता है, तो इसके अंदर किसी का इजाफी बोलना वो है नहीं। मैं क्या जवाब दूं, मतलब जवाब देने के लिए भी कोई किस बात, अभिनंदन को देख के कोई जवाब देगा? मतलब आप बताएं, पाकिस्तानी एयरफोर्स जवाब दे दिया, पाकिस्तानी आर्मी ने जवाब दे दिया। और मैं आपको एक बात बड़ी अहम बताऊं, लोगों को पता नहीं है कि ये जो हमने 6 खास किस्म के टारगेट लॉक किए थे, लॉक का मतलब ये होता है कि ये ख़त्म हमने नहीं किए, हमने खत्ते में ही पैगाम दिया कि हम चाहते हैं, हम तबाही नहीं चाहते, बार बार पैगाम दिया। अच्छा, एक मौसूफ है वहीं सरहद के उस पार, वो 7, 8, 10, 11 मेहमान बुलाते हैं, फिर कहते तुम सब भी बात करो, मैं भी बात करूंगा, अर्नब जी की बात कर रहे हैं, बात करते खुद ही पता नहीं फिर क्या सुनते हैं, क्या कहते हैं, शोर करते हैं, और थोड़ी मेहरबानी भी कह देते हैं। अगर परवेज मुशर्रफ साहब हो सामने तो वो ऐसा भी करते हैं, ये आपसे बेहतर तो कोई नहीं बता सकता, इस तरह होता है प्रोग्राम? बिल्कुल नहीं होता। देखिए, वहां पे सारे लोग पागल हैं, ये सब ईदी सेंटर से भागे हुए लोग हैं, ये इनको पकड़ के वापस लाया जाए, चीखते हैं पागलों की तरह, टेबलें पर तोड़ने की कोशिश करते हैं, पता नहीं क्या हो जाता है। असल में जिस मुल्क का सरबरा मोदी हो, वहाँ टीवी पे क्या क्या हो रहा होगा, मूवी पे क्या क्या हो रहा होगा, और असर तो पड़ेगा ना, और मूवीज में क्या क्या हो रहा होगा, हमें भी हम देखते हैं कि। अच्छा, अब ऐसा आपको ताज़ा तरीन इतला बता रहा हूँ कि अभी मेजर अदनान समी जो बहराना नगर की गंदी गली में बैठे हुए हैं, जहाँ पे मोदी जाते हैं, बहराना नगर है वहाँ पे जाते हैं, तो वहाँ पर बैठे हैं। सही है, ठीक है, मैं आपको चले दे रहा हूं, बड़ी अहम आमिर भाई ने, आमिर भाई बचाएं बचाएं, एसेट है हमारा, क्या कर, एक्सपोज कर दिए, हो चुके हैं एक्सपोज, कुछ और एजेंट्स भी हैं हमारे, कुछ और एजेंट्स भी, ये भी चल रहा है सोशल मीडिया पर, वो सब छोड़ देते हैं, जरा थोड़ी सी बात कर लेते हैं, बताइए क्या लाइफ में चेंज आया, जैसी अब इनसे बात, आमिर भाई की आंखों में चमक आ जाती है, चमक, वो तो हाँ बिल्कुल। अब ये तो आपने हमें बताया कि डांट वांट नहीं पड़ती, इनको किसी से डांट पड़ती है? हमने तो इतने सालों में ऐसा कोई देखा नहीं, आपने देखा तो हमें जरूर बताइएगा। वाकई इनको किसी से भी डांट नहीं पड़ती, और ये ऐसा कोई, हाँ वो एक लास्ट इनका बैटल है, इमरान खान डांटते हैं, वो मेरे मेरे उनसे मोहब्बत, मतलब मेरे बड़े हैं वो, मतलब ये अब ऐसे आखिरी बार डांटा कब है? अभी आखिरी बार तो बहुत पहले डांट रहा था। अच्छा, अभी तो नहीं डांट, अभी तो अभी मामला अच्छा, अभी दोस्ती हुई भी आज जी जी, मोहब्बत बहुत प्यार करते हैं आदमी से, बहुत लोगों को नहीं पता, लोग समझते हैं उससे बड़ी सच्ची मोहब्बत करते हैं। होम मिनिस्ट्री ने अभी तक डांटा नहीं है आपको? नहीं, होम मिनिस्ट्री तो कभी भी मतलब होम मिनिस्ट्री की सिर्फ फरमाइश होती है कि नहारी बना दीजिए, चिकन कॉर्न सूप बना, आप बताए मैं खाने अच्छे बनाता हूँ बहुत, तो मैं बना देता हूं। हमारे घर में बस ये वाला डिपार्टमेंट ज्यादातर यही देख रहे होते हैं, लगी तो फरमाइश ही चल रही होती है कि अभी भी हमने परसों आपने बहुत अच्छी इन्होंने दाल बनाई थी, हाँ मैंने इनको ढाबे की दाल खिलाई थी, मैं और मैंने इनको बताया था ढाबे की दाल कैसे बनती है, हाँ, उससे पहले मैंने इनको
आपको खिलाए थे मैंने स्पेगेटीज खिलाए थे। इस्लामाबाद में खाने बनाते हो क्या? कराची में नहीं बनाते, इस्लामाबाद में लोग बनाते हैं, हम खाने बनाते हैं। अच्छा कल कल आपकी वीडियो नहीं, खिचड़ी जो लोग दूसरे बना रहे हैं वो दूसरे बना रहे हैं, उनका काम है, उनका खाना बनाते हैं, खिलाते भी खुद हैं, नवाला बना बना के सोने का नेवाला। नहीं तुबा को वैसे खाना खिलाना बड़ा अच्छा लगता है, मगर मैंने बहुत दिन हो गए नहीं खिलाया, वरना मैं खिलाता था। ये बहुत दिन हो गए, प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं शुरू शुरू में सब अच्छा लगता है। नहीं नहीं, हमारी तो शुरू ही अभी तक शुरू हुई है, खत्म नहीं। अच्छा हमें शुरू से अभी तक शुरू। कल आपकी वीडियो के बाद बहुत लोगों ने सवाल किया और हम सबसे किया कि आप लोग बड़े रोमांटिसाइज कर रहे हैं, और मतलब बैठी हुई और लगता है ये जैसे ना भाभी शायद भाग तो नहीं जाएंगे, आप लोग छोड़ रही थी वो जिस तरह बैठी हुई थी ना, मैं तो पकड़ के बैठा था, ये न्यू थी है। उनको भूख लग रही थी। अच्छा ये मसला था, ये कल मुझे भी पता चला है कि जब भूख लगती है तो ऐसा हो जाता है आदमी। मालूम हो रहा है शुरू नहीं, मैंने इनको फिर आपने खाना इतनी देर से क्यों बनाया, उनको भूख लग रही थी। नहीं नहीं नहीं, लाइव माजत मांग ली आमिर लिया को, सर ने लाइव अपनी क्षमा की खबर, ब्रेकिंग न्यूज, आमिर लिया को लाइव माफी मांग ली। जरूरत नहीं है, आ जाइए वेलकम टू द क्लब। आप तो चाहते हैं कि आप इधर ही आके बैठ जाएं दोबारा। मैंने सबसे पहले खबरें पढ़ी हैं। सबसे पहले मैंने को पता है, आप भी बताएं। मुझे भी मालूम है, ठीक है। अच्छा अभी आप पैसे पहले कह रहे थे कि अब जो है वो आप दोनों बड़ा रोमांटिसाइज कर रहे हैं, तो हम दोनों तो हैं ही रोमांटिक और हमने रहना ही इसी तरह, और हम हैं ही इस तरह, मतलब ये नहीं है कि हम वीडियो में साथ इस तरह बैठ गए थे, हम नॉर्मली भी इसी तरह रह रहे होते हैं, मतलब कोई आपको अलग से भी दिख जाएगा तो ये कह रहे दोनों साथ ही घूम रहे होते हैं। तो जिससे आप इतनी मेंटेन्ड हैं, मुझे लग रहा है कि आपने ये जो जादू है ना इन पर भी डाला है कि जरा स्लिम लग रहे हैं, बड़े स्मार्ट लग रहे हैं, कुछ खाना सिर्फ पका रहे, खा नहीं रहे, चौड़ा हो गया है यार मेरा भाई। बहुत यार रमजान आने वाले ना, रमजान नशरिया तो फिर उसके लिए करना पड़ता है ना, तो फिर आपको देखेंगे रमजान नशरिया जी इंशाल्लाह, बहुत किसी अच्छी जगह देखेंगे, बहुत शानदार। तो अच्छा हम अब जिस तरह वो कहते हैं ना हम तो साथ साथ हैं, तो कहीं रमजान नशरिया में भी तुबा आपके साथ तो नहीं होंगी? हाँ पीछे है ये बिल्कुल, इसी के जो रमजान नशरियात होने वाली है उसकी बहुत सारी तैयारियों में है। लोग तो हमने जो जो सुना, लोग तो ये भी चाहते हैं कि आप दोनों साथ में शो करें, आपको पता ही वाली बात। आप चाहते हैं? हम भी चाहते हैं। चलो आप चाहते तो कर लें। देखिए ये होता है फौरन मान जाते हैं, लेकिन सिर्फ शो नहीं, क्योंकि आपको तो खैर हर शोबे में बड़ा आपने नाम बना रहे, तो क्या सियासत में भी आएंगी आगे आपके साथ? मैंने इनसे कहा है कि सियासत से पहले आप टीवी इंडस्ट्री में ड्रामे में आए आप, और ये जरूर चाहते हैं मतलब कि मैं आप स्टार्ट करूं, क्योंकि इनकी आवाज बहुत अच्छी है माशाल्लाह, आवाज बहुत अच्छी है, ड्रामा अच्छा करते हैं, ड्रामे के लिए आवाज अच्छी है, ड्रामा अच्छा नहीं करते, ड्रामे के लिए आवाज अच्छी है। अच्छा हमने सुना आप लिखती पढ़ती भी खूब है। जी बिल्कुल, मेरा हमेशा से शौक भी रहा है, एक्चुअली राइटर है। इनफैक्ट मैंने स्टार्ट जब किया था मीडिया इंडस्ट्री में, तो मैंने आई स्टार्टेड एज अ राइटर, और अभी भी जब भी टाइम मिलता है तो मेरी कोशिश होती है कि सोशल इशूज़ हो गए या वुमेन राइट्स हो गए, उन पर कुछ ना कुछ लिखा जाए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट की जाए, और अच्छा है लोग एजुकेट होते हैं। वैसे कह ठीक रहे हैं, आवाज तो बहुत अच्छी है, तो ऐसा तो हो नहीं सकता ना कि मैं हमेशा अच्छी बात करता हूँ, तो अब आवाज प्यारी है तो फिर हम रिक्वेस्ट करेंगे आप हुक्म देंगे। किस बात की? नहीं मैं हुक्म किसी को नहीं देता भाई। अच्छा आपको हुक्म तो मैं देता ही नहीं किसी को, लेकिन आपको रिक्वेस्ट करने की जरूरत नहीं, क्योंकि ये फर्स्ट डे से खुद इतना ज्यादा मुझे इनकरेज कर रहे हैं कि यू मस्ट डू समथिंग, मतलब तुबा आप तो फिर इंतजार की घड़ियां खत्म कराया, कुछ सुनाए तो सही ना, कुछ सुरीली आवाज तो होगी, कुछ सुना। देखिए मैंने इनकरेज हमेशा मैंने बुशरा को भी किया, जब बुशरा ने टीवी में आई थी आपको याद होगा, छोटी जिंदगी करती थी, फिर उसके बाद उन्होंने प्रोडक्शन में भी आई, तो इनकरेज करना चाहिए खवातीन को, तो नहीं होना चाहिए कि आप इनकरेज ना करें, उनको आगे बढ़ाना चाहिए। ये तो आप बैठ गए जी हमें बस काफ़ी है, नहीं भाई हम नहीं काफ़ी है, नहीं ये हमेशा कहते हैं जो भी आपके इंटरेस्ट हैं आप उसको आगे लेकर चलें, और जो आपको समझ में आए पसंद आए उसको आप कैरी ऑन ज़रूर करें, ठीक है। लेकिन चले अभी तो मुझे लग रहा है आप ना सुनाना नहीं चाह रहे, आप मैं कुछ क्या बताओ, गाना क्या बताओ ना, क्या सुनाओ, कुछ गुनगुनाए ना, क्या गुनगुनाओ बताओ ना, ये तो आप डिसाइड करेंगे ना यार, नहीं तो क्या कौमी नगमा गा दूं, क्या जब जिंदगी इतनी रोमांटिसाइज है तो फिर कुछ रोमानवी गीत। जिंदगी में तो सभी प्यार किया करते हैं, मैं तो मर कर भी मेरी जान तुझे चाहूंगा, और पता क्या सुनाऊं, कोई डुएट नहीं था है कि वो भी होती सर, मैं बिल्कुल गाती नहीं हूं सर। ओके तहत लफ्ज कुछ हो जाता, सुना तो मैं सुना दिया, हां बहुत अच्छा किया इनका, चले तो सुना तो रहे, तहत लफ्ज सुना दे भी कुछ, नहीं मैं कहां आपको पता है आई डोंट सिंग बिल्कुल, चले अच्छा ठीक है, तहत लफ्ज सिंग नहीं होता ना, अच्छा चलो हां, तहत लफ्ज होता है के लफ्ज के तहत,
मतलब पढ़ना पड़ता है। अगर कोई शेर याद हो, कोई शेर याद होगा आपको, कोई कल आप पढ़ रही थी शेर अशार, जहाज में पढ़ने की। बड़े मजे की बात है कि मैं शेर जरूर पढ़ रही होती हूँ और जरूर मैं जो वो कॉपी कर रही होती हूँ, लेकिन मैं याद वाला याद दिलाता हूँ क्या पढ़ रही थी। दर बदर भटकना क्या दफ्तरों के जंगल में, बेलचे उठा लेना, डिग्रियां जला देना, हाँ। फिर बहू जलाने का हक तुम्हें पहुंचता है, पहले अपने आंगन में बेटियां जला देना, हाँ। साथ ही मैसेज दे दे कितना प्यारा है भाई जी, बिल्कुल। अच्छा, ये तो हमने देख लिया कि यहाँ कोई झगड़ा नहीं है, ये बहुत प्यारी जिंदगी है और अल्लाह करे ऐसे ही चलती रहे माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम जरा बात करना चाह रहे हैं आजकल ये पीटीआई में क्या चल रहा है, क्या हुआ आप बताए क्या हुआ। हमने सुना था चार बर्तन है बहुत खड़क रहे हैं। आगे बढ़े ना बता रहे हो तो आपको आजकल बात समझ नहीं कौन कह रहे हैं, लेकिन आप बताए ना आजकल आपको सब कुछ अच्छा लगने लगा है, देखिए लोग अच्छे लगने लगे, इसलिए कि मैं सच नहीं बोल जाऊँ तो नहीं, देखिए कोई झगड़ा नहीं चल रहा असल में, बीच में अचानक ब्लड प्रेशर हाई हो गया था किसी का, तो इस वजह से उन्होंने कुछ बात कर दी, दोनों ने बात कर दी। गोली रोज देते नहीं ब्लड प्रेशर की खान साहब? अब असल में खान साहब ने देखिए एक मैसेज दिया है कौमी असेंबली में कि बहादुर शाह जफर अच्छे आदमी नहीं थे, तो बहादुर शाह जफर की महफिल में जो अशार पढ़े गए वो भी ना ट्वीट करें, फिर मैसेज तो दे दिया क्लियर नहीं, मसाहिब फिर इतरा था मगर न शहर में गालिब की आबरू क्या, ये बहादुर शाह जफर की महफिल में हुआ था तो ना करें। बहादुर शाह जफर टीपू सुल्तान हमारा ताल्लुक है तो टीपू सुल्तान से रहना चाहिए, वैसे कोई झगड़ा नहीं है, झगड़ा नहीं है, ये तो आप हम वक्त कहते हैं, आप हमेशा यही कह देते हैं, माशाल्लाह जब पूछा आपने यही कहा है झगड़ा तो कोई नहीं। देखिए इमरान खान की क़यादत में सब मुत्तहिद हैं, सब मुत्तफिक हैं, इमरान खान जैसा आदमी नहीं हो सकता, सही एक हीरा आदमी है, सही है, तो बाकी देखिए इख्तलाफ तो विद रिस्पेक्ट टू कराची पॉलिटिक्स यहाँ पर भी मामला सही है, जिस तरह के सेंटर में है यहाँ पर कुछ गड़बड़ है, आप व्हाट्सएप ग्रुप छोड़ भी देते हैं कभी कभी। हाँ पहले पुरानी बातें क्यों कर छोड़ा तुम, हाँ देखो ना ये घर में झगड़े कराएगा, इलेक्शन से भी पुरानी बात है। अच्छा पहले करता था ना मैं, अब नहीं करता, बच्चा था मैं पहले यार, मैं बड़ा हो गया हूँ मैं, ओके तो हो जाती थी गलतियां, अब नहीं करता भाई, माफ कर दो, ठीक है पुरानी पुरानी बातें निकाल के ला रहा हूँ, अब शादी हो गई है अपने खोद खोद के निकालना है मुर्दे, ऐसे नहीं करो यार, अच्छा ठीक है, बड़ी मुश्किल से सेट किया यार, ये जुमला सुनना है बड़ी मुश्किल से सेट किया भाई, देखिए बड़ी मुश्किल से सही लेकिन सेट हो चुका है सब कुछ, ये भी एक खबर है अभी तो देखिए बहुत कुछ होगा अभी तो आगे, मसलन ये कि फिर आप मुझसे पूछेंगे क्या हो रहा है क्या बताए तो बताएंगे आपको, नहीं जब वो ऐसा भी कुछ होगा। अच्छा अच्छा चले ये देखिए मैं वकार यूनुस हूँ इमरान खान, ठीक है इमरान खान ने खुद कहा है मैं वकार यूनुस हूँ। अच्छा तो ये कभी कभी ये आप मुझे थोड़ा सा इसमें एक लेवरेज दिया करें, सही है कि वकार यूनुस बहुत तेज गेंद कराते थे, तो कभी वाइड भी हो जाती है कभी नो भी हो जाती है, नहीं बिल्कुल लेवरेज मुझसे हो जाती है, अब मैं जरा लाइन और लेंथ में हूँ, फिर इमरान खान ने बॉल पकड़ी भी मुझे खुद देते हैं कि मुझे आप फेंकिए तो वापस ले, अब लाइन लेंथ में है क्योंकि कराची को रिप्रेजेंट भी कर रहे हैं और कराची के मसाइल आपसे बेहतर कौन जानता है, और अब हमारे अक्सर इलाके ऐसे हैं जहाँ पर नाम लाइन दे जाओगे तो वहाँ मसाइल की बड़ी लाइन होती हैं, कराची के स्पेशल पैकेज कुछ आ रहे हैं भी बता दूँ मैं आपके यहाँ कि पाकिस्तान क्वार्टर्स मार्टिन क्वार्टर्स फला फला जगह जितने क्वार्टर्स हैं वहाँ से किसी को नहीं निकाला जा रहा, बस ये मैं आपको बता रहा हूँ, ओके मुझे थोड़ा सा और इत्मीनान दिलाइए, थोड़ा सा और इत्मीनान दिलाइए, वो ऐसे कि कराची में चीजें कब तक बेहतर होंगी हमारे पास, आप मुझे बताएं आपके दफ्तर आने में कितनी तकलीफ अभी हो रही है, हर जगह काम हो रहा है, ये एक साथ सारे काम कंप्लीट होंगे, ये आप समझ लीजिए कि 9 महीने और लगे तकरीबन 7-8 या 9 महीने, लेकिन अमरे उसमें खबर निकली आज, लेकिन मैं ऐसे बता रहा हूँ करीबन कोई 5 के करीब प्रोजेक्ट्स हैं जो मुकम्मल होंगे इन्हीं 8 महीनों के दौरान, लेकिन अवरेज में हम ये भी देखते हैं कि क्या सेंटर और प्रोविंशियल गवर्नमेंट एक पेज पर आते हैं इन मामलों के हल के लिए, क्योंकि प्रोविंशियल गवर्नमेंट रहेगी तो आएगी ना फिर से यही बात, फिर से यही बात, चलो ठीक है ये इस पर कुछ हो रहा है, करेंगे कुछ ना कुछ तो करेंगे, कुछ हो रहा है या कर रहे हैं कुछ ना कुछ तो करेंगे, करप्शन के हवाले तो नहीं कर सकते, सिंध का बेड़ा गर्क तो नहीं होने देंगे, तो अगर ऐसा हो जाता है जो आपकी ख्वाहिश है तो कौन वज़ीर-ए-आला होगा सिंध का, फिर ये तो पार्टी डिसाइड करेगी, अभी ऐसे कुछ ऑप्शंस होंगे, खान साहब करेंगे 3-4 नाम, खान साहब करेंगे डिसाइड, ठीक है अभी ऐसा कोई कंसिडरेशन नहीं, नहीं कुछ आप शेयर अभी तो देखिए हमारे लिए सबसे पहले इस वक्त एक तो ये मसला है, उसके बाद बलदियाती इंतखाबात है, सही है तो मेयर कराची कौन होगा ये देखा जाएगा, क्योंकि मेयर के फिर इख्तियारात की बात भी होती है, फिर वहाँ पे काम फिर भी नहीं हो रहे होते, खैर वो तो एक अलग बहस है, कुछ नाम वो इख्तियारात वसीम अख्तर साहब के सिलसिले में होती है और कहीं नहीं होती, बाकी सब जगह मेयर पर इख्तियारात उनके पास,
तो बलदियाती इंतखाबात अगर होते हैं और आप उनके पास सिर्फ रात होती है, इख्तियारात नहीं होते। सही, तो आप चाहेंगे कि आप वो सीट छोड़ दें और आप बलदियाती इंतखाबात की तरफ आएं और कराची के मसाइल की तरफ जाएं, ऐसा मुझे अंदर की बातें क्यों पूछ रहे हैं? मतलब ये बता दें, ये चाहते हैं कि सारी आप इनसाइड न्यूज इनको दे दें। मैं ये नहीं बताऊंगा, मैं ये नहीं बताऊंगा प्लीज, ये इनसाइड न्यूज ये नहीं बताऊंगा। अपनी जबान होती है, बच्चों समझ लो होती है, नहीं बताऊं, नहीं चले ये नहीं बताएंगे। लेकिन अगर एक एक कमेंट ले लें किसी के बारे में वो तो बताएंगे। उस्मान बुज़दार, उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम, नहीं ये तो अगर मैं पूछूं वसीम अकरम तो खबरदार का उस्मान बुज़दार, नहीं ये मैं नहीं कह रही, नहीं मैं बता रहा हूँ। वसीम अकरम अगर आप पूछेंगे, अगर आप पूछते वसीम अकरम, वसीम अकरम, तो वसीम अकरम, वसीम अकरम, उस्मान बुज़दार, वसीम अकरम है ना। आप सोचिए इस बात को, समझे आप तो नहीं समझी, नहीं समझे। शेख रशीद साहब के बारे में आपका क्या ख्याल है? मेरे उनके बारे में हमेशा अच्छे ख्याल आते रहे, बहुत अच्छे। हाँ, वो तो दिल के ख्याल की तरह है, कभी कभी मेरे दिल में ख्याल आता है, कभी कभी शेख रशीद आता है दिल में, तो हड़क के। हाँ हाँ, लेकिन शेख साहब भी इंडिया को जो जवाब देते हैं वो बड़ा कमाल देते हैं। इंडिया की आप बात करें, अजय देवगन साहब आपको कैसे लगते हैं? काला खजूटा बर्जी सा आदमी, मैं किसी उसमें रंग की बुनियाद पे नहीं कह रहा, ये पहले बता दूं वरना कारनामों पर कह रहे हैं। वो क्या नाम था सरफराज का, उस ट्वीट पर कह रहे हैं आप? नहीं मतलब देखें, मैं आपको एक बात बताऊं, हमने इनको मोहब्बत दी, इनकी बीवी को भी दी, काजोल, इनकी पूरे खानदान को दी, इन्होंने हमारे साथ क्या किया? तो हमारे लोगों को भी चाहिए कि अब कम से कम इन लोगों का बॉयकॉट करें, इनकी फिल्में ना देखें। मीरा जी ने किया, मीरा ने कहा है कि मैं तो बॉयकॉट करती हूँ, मैं तो इंडिया के अब किसी मूवी में काम नहीं करूँगी। देख ले मीरा ने कहा है, पता नहीं नहीं मूवीज की बात हो रही है तो मूवीज के ना बड़े नाम वहाँ बिकना शुरू हो गए, पुलवामा बिक गया, अभिनंदन बिक गया। देखिए अभी तो सबसे अहम फिल्म एक ही है, वो कौन सी पता तो है आपको? कौन सी? जो मीरा ने जिसमें काम किया वही बता दीजिए। जी जी जी, वो बाजी, बाजी जी, बाजी, बाजी। वो आजकल तो बस हर जगह बाजी की बात हो रही है, बाजी, बाजी आने वाली बात। तो जो जो पाकिस्तानी जो पाकिस्तानी एक्टर्स काम करते हैं, किरण, और एक एक फिल्म हम लोग बना रहे हैं, एक था हाथी, एक था हाथी, ये किसके लिए? मेरे दांत सभी पर बना रहे हैं। लेकिन अब हाथी छोटा है। हां नहीं, हाथी की बात, हाथी तो हाथी माइंड कर गया, हाथी हाथी माइंड नहीं करेगा, क्योंकि देखिए हाथी की याददाश्त बहुत तेज होती है। सही है, तो इसे माइंड नहीं करेगा, उसे पता है मैं हाथी हूं और ये हाथी नहीं है, तो ये तो बता रहे हैं इसको कि हाथी है, वो हाथी है, हाथ आ जाए तो फिर पता चलेगा हाथी और ये हाथी नहीं है। अच्छा, कुछ पाकिस्तानी अदाकार हमारे सेलिब्रिटीज, हमारे आर्टिस्ट वहाँ जाते हैं, वहाँ काम करते हैं, बहुत अच्छा काम भी करते हैं, लेकिन ये कैसा देखते हैं आप इसको, इस किस्म के हालात में उनका जाना? इस तौर पर किरण, मैं इस बात के कतन खिलाफ हूँ, बिल्कुल मैं कतन खिलाफ हूँ। मैं ये कहता हूँ कि हम अपनी इंडस्ट्री को तहफ़ दें और उसको बूस्ट दें। हम वहाँ क्यों जाते हैं काम करते हैं? पाकिस्तान में आपको, और लोग देखने जा रहे हैं आपको, आपको आपके वतन में लोग देख रहे हैं। मैं ज़ाती तौर पे ख़िलाफ़ हूँ, लेकिन मैं से ये ज़्यादा बात इस लिहाज से नहीं करता, हमारे कुछ लोग डिवाइड हैं इस मामले में, लेकिन मैं नहीं समझता कि हमें भारत जाके काम करना चाहिए। फरकारों की सरहद तो होती है, आपके ख्याल? मैं तो हमेशा कहता हूँ सरहद तो होती है, सरहद हर चीज़ की एक हद होती है, ये थोड़ी होती है कि फ़न की कोई सरहद नहीं होती, हर चीज़ की एक हद होती है। हर चीज़ अगर हद से बाहर हो जाए तो फिर तो हद से बाहर लग रहा है, मैं जैसे भारत हद से बाहर जा भी रहा है, जिसमें हमने कुछ बार जिक्र भी किया था अमर भाई कि वहाँ पर नाम बिकना शुरू हो गया, नहीं जंगों से लगता है कि पैसा कमाया जा रहा है, क्योंकि बॉलीवुड पर जंगी दीवानगी तारी हो गई है, और प्रोड्यूसर्स के फिल्म के नाम के लिए खींचा तानी जा रही है, कौन सा नाम इन है और क्यों कर है, ये सारा मामला आपको दिखा देते हैं। तो ये है जंगी दीवानगी जो वहाँ पर तारी है। लेकिन अब जरा बात करते हैं अपने प्राइम मिनिस्टर के, इमरान खान साहब की। इमरान खान साहब ने खुद अब कह दिया, ट्वीट किया है कि नोबेल इनाम का हकदार वो अपने आप को समझते नहीं है, वो कहते हैं कि नोबेल इनाम उसे मिलना चाहिए जो मसला है कश्मीर हल कराए। तो इमरान खान ने ट्वीट की है, और इसका थोड़ा सा हम आपको पस मंजर भी बता देते हैं। इमरान खान साहब ने जिस तरह से इस मामले को सारे डील किया था, पुलवामा से लेके उनके जहाज को गिराने तक का, और फिर जिस तरह अभिनंदन को रिलीज किया गया था, भेजा गया था जज्बा खैर सगाली के तहत, उस सब के बाद ये कहा जा रहा था, ये मुतालबा किया जा रहा था कि मिलना चाहिए अगर नोबेल इनाम किसी को तो वो कोई और नहीं, वो है वजीर आजम पाकिस्तान इमरान खान। लेकिन अब इमरान खान साहब ने ट्वीट किया है, उन्होंने वाज़े पैगाम दे दिया है, उन्होंने कहा कि नहीं मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया, इनाम तो उसको दीजिए अमन का सबसे बड़ा जो मसला है कश्मीर को हल करे, सुलगती वादी को, वहां पे लगी आग को ठंडा करे, क्योंकि मसला है कश्मीर ही सब कुछ है, इसको तो हल होना चाहिए। ये कोर इशू आमिर भाई, और ये कोर इशू जो हल करेगा वाकई एक बड़ा बड़ा कारनामा हो जाएगा। लेकिन ये आजिज़ी और इंकिसारी, यस, और मैसेज भी है इसमें, ये उनका ख्याल है कि उनको नहीं मिलना चाहिए, मैं समझता हूँ कि उनको मिलना चाहिए, ये उनकी आजिज़ी और इंकिसारी है, ये उस शख्स के अंदर है, ये अभी तक है और ये हमेशा रहेगी।
उसके पास खुद पैसे भी नहीं होते, कुछ भी नहीं होता। आगे लेकर जाती है इनके सारी यही वाली जो उन्होंने शो की है इस ट्वीट के जरिए। झुक के मिलता है सबसे, हम झुक के मिलने तो मुसीबत हो जाती है, नीचे क्यों बैठ गए, झुक के मिलना चाहिए। अब खुद पुरानी बातें, खुद पुरानी बातें कि फपोले जल उठे सीने के दाग से। अच्छा भाई, अभी कुछ देर पहले डोनाल्ड ट्रंप ने जिक्र किया और उन्होंने कहा कि लग ही रहा है अच्छी खबरें आ रही हैं। जब मसला बहुत था पाकिस्तान इंडिया का, अब तो कुछ जरा कूल डाउन हो गया, तब उन्होंने कहा था कि लग रहा है दहाइयों का मसला हल हो जाएगा। तो कश्मीर का मसला, तो कश्मीर का मसला तो हल हो रहा है, हल हो रहा है। आपको ब्रेकिंग न्यूज है। अच्छा, अब ये करना पड़ेगा और इस पर सब लग गए, इस पर पूरी दुनिया लग गई है, पूरी दुनिया इस पर लग गई है। आपको नहीं लगता कुछ स्टेट्स ऐसी हैं जो चाहती हैं कि इंस्टेबिलिटी रहे? नहीं, देखिए अब जो खित्ते की सूरत हाल है उसमें आपको कुछ ममालिक को देखना होगा, चीन, रूस। ये अब भारत की, मतलब रूस तो बिल्कुल भी नहीं है भारत की तरफ, चीन कभी भी नहीं था। अफगानिस्तान के अंदर एक थोड़ी सी इंसर्जेंसी है, वो भी दुरुस्त हो जाएगी, वो फौज कर जाएगी हमारी, सही, वो भी हो जाएगा। लेकिन ये कि बाकी ईरान, ईरान चाहते हैं कश्मीर, तो आपको ये देखना होगा आपके खित्ते की जो जियो पोलिटिकल सूरत हाल है उसमें सब चाहते हैं कि मसला हल। और इसमें भारत भी चाहता है, इसमें जो कहता नहीं है। भारत का जो एक रवैया है, मीडिया का शोर अपनी जगह, लेकिन कहीं कहीं ना वो बुरी तरह से घिघिया रहे हैं, इससे भी ऐसा लगता है। जी हाँ, उसकी वजह ये है कि ये जो वाकया अभी पेश आया है जिसमें कोई 40-50 लोग, इनकी वो वहीं का आदमी था। आप ये सोचे कि वहाँ ये तहरीकें अब बहुत ज़्यादा जोर पकड़ रही हैं, पाकिस्तान का क्या ताल्लुक पुलवामा से? वो वहीं का आदमी था, वहीं का बच्चा था, बुरहान वानी के बाद से वहाँ एक तहरीक उभर चुकी है जहाँ लोग अपनी जान की परवाह नहीं कर रहे हैं। अब आप देखिए, अगर वो अपनी माओ बहनों को भारतीय फौजियों के सामने दुपट्टे फेंकते हुए देखेंगे तो आप उनसे क्या तवक्को करते हैं? तो ये 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 वहाँ एक अजीब माहौल बन चुका है, वहाँ एक अजीब माहौल। लेकिन कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, ये दो मैसेज दे दिए हैं, मसला हल होगा और कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, और ये हल होना बहुत जरूरी है। आमिर भाई और भाभी साथ मौजूद हैं, दिल कर रहे बहुत सी बातें करें, लेकिन क्विकली रहते हैं ब्रेक, दोबारा हाजिर होंगे और फिर मैं दिल चुके रही है भाई। क्या कर रहे हैं? आपको दावत देता हूं, हमें बैठ के बातचीत से अपने मसले हल करने चाहिए। जंग मशरिक में हो कि मगरिब में, अमने आलम का खून है आखिर। खून अपना हो या पराया हो, नस्ले आदम का खून है आखिर। बम घरों पर गिरे कि सरहद पर, रूह तामीर जख्म खाती है। खेत अपने जले कि और उनके जीत फाकों से दिल मिलाती है। टैंक आगे बढ़े कि पीछे हटे, कोख धरती की बांझ होती है। जंग तो खुद ही एक मसला है, जंग क्या मसलों का हल देगी? आग और खून आज बख्शेगी, भूख और एहतियाज कल देगी। इसलिए ए शरीफ इंसानों, जंग टलती रहे तो बेहतर है, आप और हम सभी के आंगन में शम्मा चलती रहे तो बेहतर है। जलती रहे तो बेहतर है, बातें होती रहें तो बेहतर है, उनकी हवाएं चलती रहें तो बेहतर है, और एक आदमी जहां चला गया है वहीं पर रहे तो बेहतर है। मुझे भी लिफ्ट करा दें। जी, लिफ्ट कराइए, मैंने आपको बताया ना आगे का किस्सा। जिसका गाना था मुझे भी लिफ्ट करा दे, थोड़ी सी तो लिफ्ट करा दे, ये गाना गाया लिफ्ट मांगी, लेकिन अदनान समी को ऐसी लिफ्ट कराई गई है, बेहतरीन लिफ्ट कराई गई है। उसमें TH OR साइलेंट कर दे, थोड़ी
आपको दिखाते हैं। अदनान समी ने नरेंद्र मोदी की हिमायत में ट्वीट किया तो सारिफिन उन्हें दिलचस्प जवाब देने आ गए। भारत के गुण गाने वाले गुरुकार को पाकिस्तान का एजेंट बना डाला। सामाजिक रابطوں की वेबसाइट पर उनके खूब लत्ते लिए जा रहे हैं। एक सारिफ ने तो वीडियो शेयर की जिसमें बताया कि अदनान समी अपने गाने के जरिए अहदाफ का पता दे रहे हैं। आकिब ने लिखा कि भारतीय जहाजों ने बालाकोट में पेलोड नहीं बल्कि अदनान समी को गिराया। मुराद सलीम खुफिया एजेंट की हिफाजत के लिए दुआ करते दिखाई दिए। शहजाद ने कहा कि अदनान समी ने गानों के जरिए खुफिया पैगाम पहुंचाए। काशी ने उनकी शनाख्त खुफिया रखने की पोस्ट शेयर कर दी। सना मीर अदनान समी का कुलभूषण से मवाजना करती दिखाई दी, जबकि इखलास ने लिखा कि गुलुकार का मिशन खात्मे के करीब है। तो भाई जी, तो मेरा ये चाह रहा था ये लिफ्ट वाले बाबा के ऊपर थोड़ी सी बात करते, कुछ इनके लुक्स के ऊपर बात करते। रॉबर्ट डाउनी जूनियर बनने का इनको शौक बहुत है, लेकिन किसी को जीतने का शौक है और जीतेंगे कैसे, बड़ा सफाक अंदाज है। श्वेत, आपको पता है ये जो भारतीय वजीर आजम है ना आजकल मोदी जी, ये इलेक्शन मुहिम चलाते हैं तो भला कैसे? बिल्कुल कह रहे हैं, ये बात भला कैसे मालूम नहीं है कि इलेक्शन के लिए चाहिए अफरा तफरी, बदमनी, शरंगेजी। वो आज तक किस तरह से इलेक्शन जीतते आए हैं, आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। मोदी का कत्लो गारत गिरी के लिए दुनिया में अलग ही मकाम है। इलेक्शन जीतने के लिए मुहिम चलाने से ज्यादा उन्हें लाशों की जरूरत पड़ती है। हर एक में पहली बार वजीर आला के लिए मैदान में आए तो जलजले से मरने वालों की लाशों पर सियासत की। एक साल भी ना गुजरा था कि गुजरात में मुसलमानों के खून की नदियां बहा दी। 2002 में लाशों को बुनियाद बनाकर एक बार फिर इलेक्शन लड़ने आए और फिर वजीर आला बन गए। 2014 में इलेक्शन मुहिम पाकिस्तान के खिलाफ नफरत अंगेज तकारीर से चला। पहले पाकिस्तान के खिलाफ नफरत के बीज बोए, फिर मुखालिफीन को पाकिस्तान का साथी करार दिया। बॉर्डर पर मरने वाले भारतीय सिपाहियों का हवाला देते रहे। इलेक्शन जीतने के बाद हिंदू इंतहा पसंदी को फरोग दिया। कश्मीर में मुसलमानों का कत्लेआम तेज कर दिया। मुसलमानों को गाय का गोश्त खाने पर मौत के घाट उतारा गया। इलेक्शन करीब आते ही एक बार फिर पाकिस्तान कार्ड खेलने लगे। पुलवामा में 44 भारतीय फौजियों की मौत, पाकिस्तान के सर थोपने की कोशिश की। सर्च इंजन गूगल पर टॉप इंडियन क्रिमिनल में मोदी जी सरे फहरिस्त हैं। तो नरेंद्र मोदी साहब अपने दामन का दाग छुपाने के लिए, अपनी करप्शन छुपाने के लिए खून बहाने से गुरेज नहीं करते, और वो इसमें अपने पराए सारे के सारे लोगों के साथ ऐसे ही करते हैं, इसी के ऊपर बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपको क्या लगता है अगर जो कुछ इस शख्स ने, मोदी जी ने गुजरात में किया था, उसको दुख समझा होता, उसको सीरियस लिया होता, उसको क्राइम समझा होता, तो पुलवामा में जो कुछ हुआ वो नहीं होता? ये इंडियंस ने, भारतीयों ने अपने साथ खुद कर लिया। देखिए, उसके लिए ज़रूरी होता है कि इंसान शादी करे, दूसरों के बच्चों का दर्द पर समझ में आता है ना। शादी नहीं की, पता ही नहीं कि लोग मार रहे हैं कसाई की तरह, किसी का बच्चा मार दिया, क्योंकि कुंवारा रहा ना ज़िंदगी भर, कर नहीं सकता। बचपन में पिटाई हुई थी 6 साल की उम्र में, बड़ी ख़तरनाक मास्टर साहब ने मारा था, उसके बाद से शादी नहीं हो सकती थी। लेकिन ये बता रहा हूँ, लेकिन ये भी हकीकत है आमिर भाई, लेकिन ये तो सिर्फ मैं चाह रहा हूँ। संजीदा आप लोग क्यों हो रहे हैं भाई? भाई थोड़ा सा गैर संजीदा रहे। छोड़िए मोदी जी को, टॉपिक की बात कर रहे हैं। जवाब के ऊपर मैं ये सोच रही थी कि हाँ, मतलब मोदी आपको कोई बात हो, नहीं नहीं आदमी बोलते हैं मोदिया, ये मोदी एक कोई नाम आदमी के मुंह दिया, लेकिन ये मुंह दिया ये ऐसे ही चलता है, घर में भी ऐसे चलता है, बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही प्रॉम्प्ट इसी तरह ही चलता है। देखिए ना, कुछ नाम ही गलत होते हैं, मतलब जहाँ शर्मीली होना चाहिए वहाँ शर्मीला है, गलत हो जाता है, किसको देखना पड़ता है। लेकिन अगर सिर्फ मोदी तो नहीं, ये तो एक माइंडसेट भी है ना, ये तो भारत में एक जनरल माइंडसेट भी है, एंटी पाकिस्तान और वायलेंस की तरफ और चीखम चिल्ली। उनके माइंड को ना आसिफ गफूर साहब ने पढ़ लिया। बड़ा अच्छा, वो जब आते हैं ना बड़े तरीके से, बहुत तरीके के साथ आते हैं, सपाट चेहरा होता है,
उस पर कुछ तासुरात नहीं होते और ऐसा जवाब दे के जाते हैं आसिफ गफूर साहब। अच्छा आपको पता है आसिफ बरखिया हज़रत सुलेमान के दरबार में एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे, तख्त ताउस पर झपकते में हाजिर कर दिया। तो आसिफ गफूर साहब भी जो डी जी आई एस पी आ रहे हैं, जब वो जवाब देते हैं ना पाकिस्तान की तरफ से, फौज की तरफ से, वो देखा करें आप। और ये लोग बैठे हुए सुन रहे होते हैं, भारतीय साहब ही चुपचाप बैठे हैं, ये वो रिलैक्स हो जाते हैं। बता रही थी हमको कि कोई भी नाम ऐसा नहीं है जिसका मानी आप ना बताएं, हाँ। जिसका पसे मंजर आप ना बताएं। जैसे कमर बाजवा साहब हैं, कमर की तरह चमक रहे हैं माशाल्लाह। इमरान खान साहब हैं, इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर हज़रत अबू तालिब का नाम इमरान था, सूरह आले इमरान है इमरान, तो ये हमेशा जिंदा और ताबिंदा रहेंगे। और फिर आगे खान तो वैसे भी जिंदा और ताबिंदा रहता है। और अगर आप इनके नाम शोएब हैं, इनके नाम का मतलब इनसे मोहम्मद शोएब, आप देखें मोहम्मद हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम जो थे खतीबुल अंबिया थे, तो आप मोहम्मद शोएब हैं, तो आप कहीं ना कहीं बोलने गुफ्तगू के कामों में रहेंगे आप जिंदगी में। यही तो कर रहे हैं अब तो लगता है, और कुछ कर रहे हैं। तूबा है दरख्त, सायादार दरख्त जिसके आजकल छाँव में चल रहा हूँ, किरण आफ्ताब, किरण आफ्ताब है, आफ्ताबी की किरण होती है, आफ्ताबी की किरण होती है, महताब की किरण कहाँ होती है। नहीं, इनके नाम के बारे में पूछें और इनके ऊपर कितना सूट करता है ये फिर आपको पता चलेगा। वो कहते हैं अच्छा मेरा नाम है आमिर, आप लोग सही से नाम लिया करें मेरा, आप लेते हैं आमिर तो मैं डिक्टेटर हो जाता हूँ, आप ले आमिर तो मैं आमिर तो उससे होगा कि मैं कराची में तो पी एस एल की रंगीनियों पर एक रिपोर्ट तैयार की आपको पहले दिखाते हैं, तो मैच की रंगीनियां तो हम आपको दिखा रहे हैं, आप इग्नोर ना करें मैच को। मैच में हाँ होती है, अभी तो दिखाई थे हमारे बाबा की देखिए दोबारा आपकी जिंदगी में सिर्फ भाभी की रंगीनियां चल रही है ना, नहीं मैच इग्नोर कर रहे हैं। चेयर लीडर भी दिखा रहे हैं, मैं चेयर लीडर समझ रहा था, दिखाएंगे अलग से। अच्छा रंगीनियां वही है बस, और क्या है, तो चौके छक्के रंगीनी नहीं है, गुनगुना रहे हैं जो छक्के कहां हूं। अच्छा नहीं हो रहे, ये तो हमारे लिए रंगीनियां सिर्फ जो है वो सिर्फ सरफराज बेचारा जाओ चाहे मदर देख लेता हूं। बिल्कुल, हम सिर्फ सरफराज को देखते हैं। आप इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए कोई नहीं, नहीं इस्लामाबाद यूनाइटेड तो जीत जाएगी भाई। ये अच्छी क्या बात कर दी आपने, मैंने पिछली बार भी पेशन गोई की थी याद है आपको, इस बार भी कर दें। अभी कह रहा हूं आपसे कि इस्लामाबाद यूनाइटेड पीएसएल जीतेगी। क्या बात है, सीजन 4 में भी इस्लामाबाद यूनाइटेड जीतेगी। कराची में लिटरेचर फेस्टिवल, कोटा ग्लेडिएटर और इस्लामाबाद यूनाइटेड का मैच होगा। नहीं जाना ही नहीं हुआ, क्यों जाना, हां बिल्कुल मिस हो गया। बस कोई बात नहीं, नहीं मिस हुआ, बिल्कुल नहीं मिस हुआ। आप देखिए इनकी रिपोर्ट होगी ना, बता दो नहीं मिस होते तो क्या है, रिपोर्ट दिखा देते हैं आपको, बता दो भाई। 10वें कराची लिटरेचर फेस्टिवल के तीसरे और आखिरी रोज अदब और सकाफत की रंगीनियां फैली हुई हैं। आज क्या क्या एक्टिविटीज हैं, आइए आपको दिखाते हैं। अदबी मौजूआत पर प्रेजेंटेशन दी गई, मुख्तलिफ किताबों की रोनुमाई हुई, शुरका पसंदीदा किताबों की तलाश में घूमते रहे। हर साल अपनी उम्र के लोगों को काफ़ी देखती हूँ, एंड आई एम ग्लैड टू सी के यू नो लोगों को अभी भी किताबें पसंद हैं, पीपल स्टिल रीड बुक्स। बहुत खुशी हो रही है, एंड आई होप कि ये देखकर हमारे यहाँ पब्लिशिंग इंडस्ट्री जो है उसका भी रिवाइवल हो। तो यंगस्टर्स नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी है कि हमारे यूथ में जो है वो रीडिंग का एक कॉन्सेप्ट पढ़ता जा रहा है, वरना जिस तरह आजकल मल्टी मीडिया में यंगस्टर जो इन्वॉल्व हुए हुए हैं बहुत ज़्यादा, मोबाइल्स हो गए, लैपटॉप हो गए, उनमें बिजी रहते हैं, तो इनके अंदर रीडिंग का जो एसेंस है वो ख़त्म होता जा रहा है। And we hope everybody has a chance to come by here, buy some books, experience all the great things that it is to be a part of the literature festival, and also just to read. It's so important to read, and the diversity here of all different kinds. Karachi Literature Festival mein bachcho ke liye bhi tafreeh ka saman rakha gaya hai. नौजवानों को अदब से जोड़ने के लिए सोशल मीडिया के इस्तेमाल पर भी गौर किया गया। जब मेरी किताब आई थी टिपिकली तानिया, तो मुझे इंगेज करने में ऑडियंसेस को थोड़ा टाइम लगा, और मुझे सोशल मीडिया के ही थ्रू करना पड़ा, बिकॉज ऐसा वक्त आ गया है कि सोशल मीडिया के बगैर आप नहीं चला सकते, किसी किताब को मार्केट नहीं कर सकते। इवेंट में रंग ही रंग नजर आए। तो बस
किस तरह से वक्त गुजर गया पता ही नहीं चला। खुदा को चलो वापस शुक्रिया इंशाल्लाह फिर मुलाकात। लेकिन आपने कहीं नहीं भागना, आपने जुड़े रहना समा के साथ क्योंकि हम आपसे इजाजत मांग रहे हैं यहाँ पर। दोबारा आपसे मुलाकात होगी कल, तो देखना ना भूलिए नया दिन।